तुमने जो गुरु द्वारा जो पद्धति थी, जो गुरु के द्वारा सिखाई गई बात थी, और गुरु नानक देव जी ने जो चीज कही कि टेक और बेक दोनों चीज मजबूत रहनी चाहिए, तो उसी पद्धति पे पूरा किसान संगठन चला और हमारा गुरुद्वारे से और खास करके जो दिल्ली या दूसरे गुरुद्वारे रहे उनसे पुराना हमारा संबंध रहा है। हमने जब भी यहाँ पे जंतर मंतर पे मीटिंग करी, हम पंद्रह साल गुरुद्वारों में, शीशगंज में, इन सब जगह बहुत बड़ा सहयोग किसानी जत्थेबंदियों का गुरुद्वारों ने करा है। हम जब भी चले गए 10,000 की भीड़ है, 15,000 की भीड़ रही, जो साउथ से हमारे लोग आए उनका रुकने की व्यवस्था, उनको लंगर भंडारे की व्यवस्था, उनका सिर्फ एक ठीक है बता दो, 5,000 आदमी आने, 10,000 आदमी आने, कितने लोग आने वो बता दो, भोजन बर्बाद ना जाए, दंग तो कितना ही जाए, भोजन बचना नहीं चाहिए। हमारा तो बहुत बड़ा पुराना संबंध गुरुद्वार से रहा है, और आज भी जिस तरह के आंदोलन यहाँ पर चले दिल्ली में, और जो कमान हमारे जितने भी बापे हैं जो उनने भंडारे जो लंगर चलाए हैं उसी से जो यहाँ की व्यवस्था बनी है, जो रुकने की व्यवस्था बनी है, अगर भंडारे चलते रहेंगे, अगर लंगर चलते रहेंगे तो ये आंदोलन कभी फैल नहीं होगा, और एक दिन वो होगा कि यहाँ से किसानी जत्थेबंदी देश में जीत के जाएगी, अपने गाँव में जीत के बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे, यही हमारा सब लोग से कहना है। और आप मजबूती से के साथ में जिस तरह से आप आप लगे रहते हो, और जो सेवा भाव है, ये सेवा भाव जितने भी लोग यहाँ पे आए, जितने भी लोग आंदोलन में आए, आप लोगों से बहुत चीज सीखने को मिला। आपके ट्रैक्टर कैसे हैं, आपके संसाधन कैसे हैं, आपकी सेवा भाव क्या है, जो आपस का जो तालमेल बना है, इससे बहुत मजबूती किसानों को मिलेगी, बहुत मजबूती जो आपस में समाज बिखरा हुआ पड़ा था। ठीक है, साहब हमेशा कहते थे कि जब पंजाब खड़ा हो जाएगा और हरियाणा उसके साथ में आ जाएगा तो देश में किसान समस्या रहेगी नहीं। ये पहली बार आया कि पंजाब ने आंदोलन की शुरुआत करी बहुत मजबूती के साथ में, और उसके साथ में हरियाणा खड़ा हुआ, उसके साथ में उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ, राजस्थान खड़ा हुआ, तो आप लोगों की अब जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरे देश के किसानों के भाग्य का फैसला इसी दिल्ली से होगा, और इन्हीं जो 300 किलोमीटर के जो लोग हैं इनकी बड़ी जिम्मेदारी बन गई है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे जो भूरी वाले बापा हैं, जो होड़ में है, मैं तो ज्यादा नाम नहीं जानता, अलग अलग भंडारे अलग अलग बापाओं के नाम से जाने, एक चीज होड़ पड़ी है कि जितने लोग भंडारे चला रहे हमारे जो संत महात्मा है वे कभी स्टेज पर नहीं जाते, मतलब बड़ी चीज है कि स्टेज पर नहीं जाएंगे, कभी भी भंडारा चलाएंगे, अपने लंगर चलाएंगे, भोजन चलवाएंगे। तो मेरा सभी संत महात्माओं से यह है कि आप ये चलाते रहे, ये प्रोग्राम आपके चलते रहे, और सबसे बड़ी खुशी है कि जो हमारी बिल्डिंग बहुत 20 साल से ये बिल्डिंग एक खंडर में तब्दील हो गई थी, मैं पूरी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है मंजीत सिंह सिरसानी है जो वहाँ पे भी लगे रहते हैं, पूरे मंजिंदर सिंह जी सब लोग लगे रहते हैं, कालका जी वो सारे लोग हैं भाई जो भी लग रहे हैं, जो दान दे रहे हैं, जो बुक दान देते हैं उनका भी बड़ा महत्व है। आप ये दान पुण्य से ये चीजें चलेगी, और वो सामर्थ आप लोगों में है, ऊपर लेवल ने वाहेगुरु ने वो सामर्थ दी है कि आप इन चीजों को चलाएं, और इसकी कीमत क्या होगी, जो डायलिसिस पर लोग आते हैं, जो गरीब आदमी है उसको, जब अभी मेरी बात हो रही थी एक अपने साथी है संगठन के, उनका डायलिसिस होता है तीसरे दिन, 8,000 रुपये का खर्च आता है, तो वो क्या कीमत होती है वो लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा करोड़ बिकना है और उस पे हम फिर खर्चा होगा जो ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा, तो लोग अपनी जमीन बेच के अपनी बीमारी में लगाते हैं, तो ऊपर लेवल ने आपको सामर्थ्य दी, आप ये काम करते रहे, और ऊपर लेवल पे ध्यान रखें, किसानों की एक दिन जीत होगी और सब लोगों का एक बड़ा सहयोग रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक जो कमेटी है उनका आंदोलन में भी रहा है, उनका आपके ऊपर कोई कुछ भी कहता है, यही सरकार है कि जब आप कोरोना काल में पेटर्न और 1,00,000 लोगों को भोजन देते थे तो उस टाइम पे आप सलूट करते थे गुरुद्वारों को, आज आज के बाद में ये कहते हैं कि फंड का आसारा
भाई फंड बाहर से आ रहा है हमारा, हमारे बच्चे बाहर नौकरी करते हैं, अगर उन्हें दे दिया तो विदेशी फंड हो गया क्या? आज भी यूएसए के बच्चे हमारे से बात कर रहे थे, वे एक घंटा उनसे कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि हम फंड भेजना चाहते हैं अमेरिका से, वे हमारे यहाँ के नहीं थे, कोई इंडियन नहीं थे। हमने कहा कि आपसे जरूरत ही नहीं, भाई बच्चे आप पढ़ाई में काम करो, और आपको अगर इस आंदोलन में सहयोग करना है, वे कह रहे हम आना कुछ भेज दे, मगर कुछ नहीं चाहिए, आप वहाँ पे पेड़ लगाओ, एक बच्चा इस आंदोलन के नाम से वहाँ पे पेड़ लगाओ, पेड़ का पर्यावरण ठीक होगा और एक नाम भी होगा, इस आंदोलन से आप छूट जाओगे। बच्चे हैं, उनकी भावनाएं ये हैं, तो सभी लोग से हैं, जितने भी यहाँ पे आए, मेरी बहनें यहाँ पे आई हैं, मेरी माताएं यहाँ पे आई हैं, आप लोगों का भी बहुत बड़ा वह हमको सब लोगों को एक चीज सीखने को मिली है, जो सेवा भाव है, जो सीखने को आपसे मिला है, यहाँ के सेवा भाव सब इसी तरह से चलता रहे और दूसरे समाज के लोग भी यहाँ से सीखना चाहिए।